दोस्तों आजकल की सोशल मीडिया की दुनिया में लोग काफ़ी कुछ जानते हैं। सोशल मीडिया में हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ें वायरल होते रहते हैं, जिससे हम सोचते हैं कि दुनिया की लगभग हर एक चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि हर साल लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा जानवर इंसान की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज भी इस दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी मौजूद हैं, जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन जानवरों को मुसीबत से बचाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसे कुछ एनिमल रेस्क्यू की वीडियो दिखाऊंगा, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो देखने से पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहता हूँ। नंबर 1, फ्रोजन कैट। ये वीडियो इंग्लैंड की है। सुबह काफ़ी ज़्यादा आइसफॉल के बाद एक आदमी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। जाते जाते रास्ते की साइड पर उन्हें एक हल्का सा आवाज़ सुनाई दिया, जिसे सुनकर उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बिल्ली की बच्चा ठंड की वजह से कांप रही है। देखकर लगता है कि वो पूरी रात वहीं पर पड़ा था। उसकी पूरी शरीर बर्फ की वजह से ठंड पड़ गया था और कुछ समय ऐसे पड़ा रहा तो ठंड की वजह से उसकी मौत हो जाएगा। उस आदमी ने उसे तुरंत गोद में उठाकर उसकी शरीर पर मैसेज करने लगा, ताकि उसे गर्म महसूस हो और ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक ठाक हो सके। और हार्ट बीट नॉर्मल रखने के लिए उस आदमी ने छाती पर पाम करने लगे। हालत थोड़ा सा ठीक होने के बाद वो उसे अपने घर में ले आते हैं और उसे गर्म दूध पिलाते हैं। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगा। 2-3 दिन के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गई। नंबर 2, डियर स्टक इन अ टायर। ये वीडियो कोलोराडो की है। यहाँ पर आप एक हिरन को देख सकते हैं, जिसके गले पर एक टायर फंसा हुआ है। बचपन में उसके गले पर एक टायर फंस गया था और लगभग 2 साल तक ये टायर ऐसे ही फंसा रहा। इसकी वजह से ना ही वो तेज दौड़ सकता था, ना ही वो ठीक से खाना खा सकता था। एक दिन वो कोलोराडो वाइल्ड लाइफ टीम की नज़र में आया। वो लोग पहले सीसीटीवी फुटेज से उसकी लोकेशन का पता किया, बाद में उसे ढूंढा गया और एक ट्रैंकुलाइजर गन के सहारे उसे बेहोश करके गले से टायर को निकाला गया। कुछ दिन एनिमल रेस्क्यू सेंटर में रहने के बाद उसे फिर से जंगल में छोड़ दिया गया। नंबर 3, कैट स्टक इन टायर। ये वीडियो रशिया की है। रशिया के गैरेज में एक बिल्ली टायर की लोहे की फ्रेम के अंदर फंस जाते हैं। उसे बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम वहां पर आते हैं। बिल्ली काफी फ्लेक्सिबल जानवर है, तो उन्होंने थोड़ा सा लुब्रिकेंट ऑयल डालकर उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नाकाम रहे, क्योंकि इस बिल्ली ने अपने सर को नीचे की तरफ नहीं किया। इसके बाद टायर की रिंग को काटने के अलावा और कोई चारा नहीं था, तो वो लोग कटर की मदद से उस लोहे की रिंग को काट कर उसे बचाते हैं। बाद में उसे अपने मालिक के पास भेज दिया जाता है। नंबर 4, डियर पियर्स्ड बाय एरो। ये वीडियो कोलोराडो की है। यहाँ पर आप इस हिरन को देख सकते हैं, जिसके मुंह में एक तीर फंसी हुई है। शायद कोई शिकारी उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बचकर निकल गई। पर वो तीर लगभग 3 साल तक उसकी मुंह में फंसा रहा। उसे निकलना किसी हिरन की बस की बात नहीं है। खाते और सोते वक्त उसे काफ़ी दर्द होता होगा। करीब 3 साल ऐसे रहने के बाद सुसन दारा नाम की एक महिला को ये नजर आया और उन्होंने तुरंत एनिमल रेस्क्यू टीम को खबर किया। रेस्क्यू टीम पहले ट्रैंकुलाइजर गन के सहारे उसे बेहोश करते हैं और उस तीर को काट कर निकलते हैं। उस दिन एनिमल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। बाद में उसे एक जंगल में छोड़ दिया जाता है। नंबर 5, व्हेल शार्क स्टक इन फिशिंग रोप। ये वीडियो साल 2018 की है। हवाई के कुंदू बे में एक फैमिली वैकेशन में घूमने के लिए गया था। जब वो लोग बोट पे घूमने के लिए निकला था, तब एक व्हेल शार्क उनकी तरफ आते हैं। पहले वो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, बाद में उन्होंने देखा कि वो शार्क एक फिशिंग रोप यानी कि एक मछली पकड़ने की रस्सी के साथ फंसी हुई है, जिस वजह से वो ठीक से तैर भी नहीं पा रहा था। ये देखने के बाद वो लोग हिम्मत जुटाकर पानी में छलांग लगा देते हैं और एक छोटे से चाकू की मदद से उस शार्क को उस रस्सी से आज़ादी दिलाते हैं।
नंबर 6, हुक्स रिमूव फ्रॉम शार्क माउथ। ये वीडियो साल 2020 की है। इस महिला की नाम है क्रिस्टियाना, जो एक अंडरवाटर फोटोग्राफर है। फोटोग्राफर होने के साथ साथ वो शार्क से काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करते हैं। एक दिन जब वो समुंदर के नीचे वीडियो शूट कर रही थी, तब एक छोटा सा शार्क उनके पास आते हैं, लेकिन उसने काटने की कोशिश नहीं की। गौर से देखा तो पता चला कि उस शार्क की मुंह में एक फिशिंग हुक फंसी हुई है। शायद वो मदद के लिए इंसान के पास आया था। क्रिस्टियाना ने हिम्मत जुटाकर अपने हाथ शार्क की मुंह में डालकर उस फिशिंग हुक को बाहर निकालते हैं, और तब से लेकर आज तक उन्होंने करीब 300 से भी ज़्यादा शार्क की मुंह से फिशिंग हुक बाहर निकाली है। नंबर 7, थार्स्टी कोआला। ये वीडियो साल 2019 की है। ऑस्ट्रेलिया के एक रास्ते पर जब एक साइक्लिस्ट साइकिल चला रहे थे, तब उन्हें कोआला नजर आया। वो भी इंसान से डर जाने की बजाय उसके पास ही आ रही थी। उनको पहले समझ नहीं आया कि उस कोआला को उनसे क्या चाहिए, लेकिन उस जानवर ने पानी की बॉटल की तरफ इशारा कर रहा था, जिससे वो समझ गया कि उसे पानी चाहिए। उस दिन ऑस्ट्रेलिया की तापमान काफ़ी ज़्यादा था। पानी न मिलने पर वो कोआला काफ़ी प्यासा था। इसके बाद उस आदमी ने अपनी बॉटल से उसे पानी पिलाते हैं। नंबर 8, टर्टल रेस्क्यू फ्रॉम शार्क। ये वीडियो बहामास की है। साल 2020 में दो भाई बोट लेकर फिशिंग करने गया था। अचानक उन्होंने देखा कि एक कछुआ बहुत ही तेजी से बोट की तरफ आ रही है। पहले वो लोग कुछ समझ नहीं पाते। ठीक से देखा तो पता चला कि एक टाइगर शार्क उस कछुए की पीछा कर रही है, और उस कछुए ने अपनी जान बचाने के लिए उस बोट की तरफ आ रही थी। उन दोनों ने उस शार्क से ना डरते हुए उस कछुए को बोट पर उठा लेते हैं और कुछ दूर जाकर उसे फिर से समुंदर में छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगे हमारे वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप ऐसे ही और भी एनिमल रेस्क्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन वीडियोस को जाकर जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी आसान से देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर देना। ऐसे बस इन्फॉर्मेशन अनोन फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। गुड बाय।